करते हैं 2000 का प्रोग्राम, हम 2000 से पीछे रहे हैं, मुश्किल की काम बात है। क्यों सर, में पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, तो हम सत्ता में हमारी भागीदारी होगी तो जरूर हमारे खींवसर का विकास होगा। खींवसर से विधानसभा प्रत्याशी रेवत राम जी डांगा हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिल्कुल, आपका आभार, बधाई। खींवसर के अंदर कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल के बिना वहां पर जीत पाना बहुत मुश्किल है। दो बार से हम देख भी चुके हैं, इस तिलिस्म को कैसे तोड़ेंगे? मुश्किल की क्या बात है, 2000 का प्रोग्राम, हम 2000 से पीछे रहे हैं, मुश्किल की काम बात है। और इस बार तो वहाँ खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी, हम भारी मतों से जीतेंगे। वहाँ पर दो बार पार्टी ने ज्योति मिर्जा पर भरोसा किया था, और इस बार ऐसी क्या प्रमुख वजह रही जो आपको टिकट दिया गया? क्या बोला, इस बार आपको टिकट दे रही, क्या कुछ प्रमुख वजह रही आप मानते हैं? जनता के प्रति विश्वास, जनता का विश्वास है, खींवसर की जनता के प्रति पार्टी को विश्वास है। इस बार खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी, एक किसान पुत्र को उन्हें दूसरी बार जो प्रतिनिधि के रूप में जिम्मा सौंपा है, तो ये खींवसर की जनता की आवाज थी। एक मिथ वहाँ पर चलता है कि लगातार कई बार से हनुमान बेनीवाल और उनके परिवार के लोग वहाँ पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से जो असामाजिक तत्व है वहाँ पर, जो गुंडागर्दी है, वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी, तो इसको कैसे आप खत्म करेंगे? कानून का राज सारे अपने आप हो जाएगा, कानून का राज अपने आप हो जाएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? विकास, जो हमारा खींवसर में पिछले 20 साल से जो विकास अवरुद्ध है, तो हम सत्ता में हमारी भागीदारी होगी तो जरूर हमारे खींवसर का विकास होगा। ये थे हमारे साथ रेवत राम डांगा जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मात्र 2000 मतों से ही इनकी वहाँ पर हार हुई थी, और अब न सिर्फ इन 2000 मतों का अंतर खत्म होगा बल्कि भारी मतों से खींवसर में भाजपा का कमल खिलाया जाएगा। हनुमान बेनीवाल का तिलिस्म तोड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता हनुमान बेनीवाल से, उसके गुर्गों से अब परेशान हो चुकी है, और अब खींवसर की जनता भाजपा पर विश्वास जताएगी और भाजपा खींवसर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।